Hi guys, good morning. I'm DK Sharma from Icon School GGC. Guys, basic math by DK sir day 12 है आपका. Basic math का मतलब जो student third में, fourth में, fifth में पढ़ते हैं, उन सब के लिए हमने ये classes तैयार की. तीनों में वही matter को हमने select किया है. ध्यान रखिए कल संडे है, कल का लीव रहेगा और मंडे से जहां हमने क्लास को छोड़ा था वहां से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे. मैंने चूंकि आपको पहले बताया था यस्टरडे कि सैटरडे को हम आपको वीकली टेस्ट लेंगे, तो फर्स्ट वीकली टेस्ट आज हम आपका ले रहे हैं सब्जेक्ट मैथ का, मार्क्स आपका 10 नंबर का. तो आपको मंडे को आपको अपनी नोटबुक, कैसे नोटबुक कैसे बनाएंगे, ऐसे आपकी नोटबुक होती है ना, उसमें से आप पेज निकालेंगे, वन पेज, टू पेज, थ्री पेज बीच में से, और इस तरीके से आप अपनी नोटबुक बना देंगे. तीन स्टेप का लगा देंगे, वन टू थ्री ऐसे, और फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेज की आपकी नोटबुक, जिसमें सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे आइकॉन द इंटरनेशनल स्कूल, फिर वहां नीचे लिखेंगे फर्स्ट वीकली टेस्ट, फर्स्ट वीकली टेस्ट, फिर आप अपना नेम लिखेंगे, नेम लकी शर्मा, नेम लकी शर्मा लिखेंगे अपना, जो भी नेम हो आपका नेम लिखिए, आपके नेम क्लास थर्ड क्लास है थर्ड लिखिए, फोर्थ है फोर्थ लिखिए, फिफ्थ है तो फिफ्थ लिखिए, फिर सब्जेक्ट मैथ लिखिए. अच्छा नेम, एक नेम के दो बच्चे हो सकते हैं इसलिए अपना नेम और फादर का नेम भी लिख देना, सन ऑफ ताकि शर्मा, सन ऑफ पी के सर जो भी है लिख देना, फिर अपने फादर के मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर नाम लिख देना, ताकि हम आपको सूचना दे सकें कि 10 मार्क्स में से आपके कितने आए हैं. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछली क्लासेज में आपको रीड कराए, इससे पहले मैंने ऑनलाइन आपकी जो भी क्लास ली है क्या था पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू एंड सिक्स इन द फॉलोइंग नंबर्स. आपको नीचे दिए गए नंबर्स में सिक्स की और टू की प्लेस वैल्यू का मालूम करना है. मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था, वंस ये वंस के स्थान पर इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स इंटू वन और वन आ जाएगा, तो ऐसे उस वीडियो को आपको सी करना है और अपनी नोटबुक में इस तरीके एग्जाम नोटबुक में उसको कंप्लीट राइट करके स्कूल में जमा कराना है मंडे को. अब क्वेश्चन नंबर टू क्या करा, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म. ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, 40,000, 45,000, 700, 72 लिखना है, 45,000, 772 आपको राइट करना है. तो शॉर्ट फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है. क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये आपको दिया गया नंबर्स, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखना है, इसको कैसे काउंट करो, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो पहले 10,000 लिखो, फिर 2,000 लिखो, फिर 300 लिखो, फिर 70 लिखो, प्लस 2 लिखो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. नहीं आता, समझ में नहीं आया, इसका वीडियो देखो आप पिछली क्लासेस में, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए पहले में मिल जाएगा आपको. फिर आइए क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. इनको आपको वर्ड्स में लिखना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 24,056 वर्ड्स में लिखना है आपको, और ऐसे नोटबुक बना लेना और यहां पे आप जमा करा देंगे मंडे को स्कूल में, हम उसमें मार्क्स दे देंगे और पेरेंट्स को बता देंगे भैया आपके बच्चे कितना मार्क्स आ रहे हैं. तो उससे आपकी, उससे फायदा क्या होगा सर, ये फर्स्ट वीकली टेस्ट देने से, इससे सबसे बड़ा फायदा तो आपका रिवीजन हो जाएगा. इनको हल करने के लिए आप पिछली क्लासेस को देखेंगे, पिछली वीडियोस को देखेंगे, ये क्वेश्चन कैसे हल किया सर ने, ये क्वेश्चन हल कैसे हल किया सर ने, ये क्वेश्चन कैसे हल किया. तो आपको बेटा जरूर से जरूर अपना ये फर्स्ट वीकली टेस्ट जरूर देना है, ध्यान रखिए. फिर अगस्त में यूनिट टेस्ट आ रहा है,
प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप देना नहीं सीखोगे तो मार्क द राइट सिंबल्स, बिगर स्मॉलर इक्वल बिटवीन द गिवन नंबर्स. नीचे जो नंबर दिया गया है 236 438, इनमें से कौन सा मार्क्स हम रखेंगे, तो ध्यान रखिए 400 बड़ा होता है, बड़े की तरह मुंह खुलता है, तो इसको हम यहां लाएंगे इस तरीके से मार्क्स. जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला, जो संख्या छोटी रहती है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इस नंबर 675 का सक्सेसर बताओ. सक्सेसर का पता होता हो कि सक्सेसर क्या है. ध्यान रखिए किसी भी संख्या में अगर वन जोड़ दिया जाए, वन ऐड कर दिया जाए, तो वो उसका सक्सेसर आ जाता है. प्लस अगर वन कर दोगे तो 676 इसका सक्सेसर आ जाएगा. किसी भी संख्या में अगर वन को प्लस कर दिया जाए तो सक्सेसर हमें मिल जाता है. फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. प्रेडिसेसर के लिए उस संख्या में से वन को माइनस कर देते हैं, प्रेडिसेसर निकल जाता है. जैसे 445 में से वन को माइनस कर दो तो 444 ये इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा. अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इसको असेंडिंग ऑर्डर नहीं है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप जानते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में. तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 387. इससे बड़ी संख्या देखो 986. इससे बड़ी संख्या देखो 17,300. नहीं, ये 4,462. फिर इससे बड़ी देखो 17,347. फिर इससे बड़ी संख्या देखो 38,433. अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इसको घटते हुए क्रम में लिखना है. सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखो 987. फिर उससे छोटी 826. फिर उससे छोटी 789. फिर उससे छोटी 467. फिर क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. नीचे दी गई संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. 100,000, 10,000, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म. नथिंग इज इम्पॉसिबल. कुछ भी असंभव नहीं है. अगर आप पिछले वीडियोस को देखेंगे, ध्यान से करेंगे, तो पूरे क्वेश्चंस आपको देखने स्नैप ऑफ फिंगर्स चुटकी बजा के हल हो जाएंगे. इसलिए आपको पिछले वीडियोस को देख करके इन क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को दिया गया है. हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है. मार्क्स कितना है, 10. क्वेश्चन कितने, 10. तो 1 क्वेश्चन कितने का हुआ, 1 मार्क्स का. अब आपको 10 में से 10 मार्क्स लेके आने, राइटिंग अच्छा लिखना, स्वच्छ लिखना, साफ लिखना, और इस तरीके से कॉपी क्रिएट कर लेना, और अपना स्कूल का नेम, अपना नेम, पापा का नेम, सब्जेक्ट, फर्स्ट वीकली टेस्ट, मोबाइल नंबर वगैरह कंप्लीट करके आपको पूरे क्वेश्चनों को हल करके अच्छी राइटिंग में स्कूल में मंडे को जमा करा दें. यह आपका फर्स्ट वीकली टेस्ट हो गया. ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. ओके, बाय.